नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित नेशन देख रहे हैं। बिहार से जो बाहर फंसे हुए बिहारी हैं उनको लगातार जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो लेकर के बिहार पहुंच रही हैं। ऐसे में पहली दो ट्रेनें आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल से जो है वो भागलपुर पहुंचने वाली, इसको लेकर के तैयारियां जो हैं जोरों शोरों शुरू कर दी गई हैं। दो ट्रेनें हैं जो कि भागलपुर पहुंचेंगी, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भागलपुर जंक्शन की, जहां पर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आपको बताएं कि भागलपुर साउथ रेलवे से दो ट्रेन कल भागलपुर और बांका के प्रवासी लोगों को लेकर के रेलवे स्टेशन भागलपुर पहुंचेगी। इस बाबत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। भागलपुर के DM प्रणय कुमार और SSP आशीष भारती ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ स्टेशन का मुआयना किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल चेकअप और घर तक प्रवासियों को पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था पर अहम निर्णय लिए गए। सुरक्षा के बाबत करीब 500 जवानों की तैनाती भी की जाएगी। DM ने बताया कि मुख्य रूप से तेलंगाना से प्रवासियों की वापसी जो है वो हुई है और अभी 10 दिनों में जो अगले 10 दिन हैं वहाँ लगातार जो प्रवासी बिहारी हैं उनके आने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। बात करें गुरुवार को, तो गुरुवार को दो ट्रेनें जो हैं वो आसनसोल से वो पहुँच रही हैं भागलपुर। ये ट्रेन आसनसोल से वाया बांका होते हुए भागलपुर पहुँचेगी। एक ट्रेन सुबह 8:10 पर जबकि दूसरी ट्रेन 3:10 पर पहुंचेगी। ऐसे में क्या कुछ कहना है भागलपुर के DM प्रणय कुमार का, पहले ये सुनिए। को लाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के अंतर्गत कल दो ट्रेनें यहां आ रही हैं। एक ट्रेन से भागलपुर के पैसेंजर्स आएंगे और एक ट्रेन से बांका के पैसेंजर्स आएंगे। करीब 2500 प्रवासी लोगों के आने की सूचना है। उस स्थिति में यहाँ पर व्यापक तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं, उसका निरीक्षण आज हम लोगों ने किया और ये व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है। किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं आने पर उनका भरपूर स्वागत किया जाए और बढ़िया तरीके से गाड़ियों की टैगिंग करके अपने गंतव्य स्थल तक उनको रवाना किया जाए। उन सभी चीज़ों की तैयारी व्यवस्था के लिए आज हम लोग यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की टीम लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर भाइयों को किसी भी तरह के वेटिंग टाइम बिल्कुल ना रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सर, जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके सुरक्षा के, वो घर में ही रहें उसके सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? जो लोग भी हैं क्वारंटीन में, चाहे सोशल क्वारंटीन हो या होम क्वारंटीन, उनकी व्यवस्था लगातार मॉनिटर की जा रही है। प्रत्येक दिन आशा या अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया है, जिसके माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और कंट्रोल रूम के माध्यम से टेलीफोन से लगातार सूचनाएं प्राप्त करके भी उनसे जानकारी ली। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सर, उनके रोजगार में क्या योग्यता है, किस तरह के वो मजदूर हैं, किस तरह के कामगार हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है, उसका भी हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका भी हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं ताकि उसके हिसाब से जो हमारे यहाँ उपलब्ध रोजगार के अवसर हैं उस रोजगार के अवसर में उनको हम लोग उपलब्ध दे दीजिए। कल जो ट्रेनें आ रही हैं मुख्यतः कल तेलंगाना से ट्रेनें आ रही हैं। भागलपुर में आने वाली है दो ट्रेनें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाया बांका होते हुए। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम होंगे, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, इस पर क्या कुछ कहना है भागलपुर के SSP आशीष भारती का, ये सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिसमें भागलपुर की जिला पुलिस तथा GRP तथा RPF के पुलिस पदाधिकारी और बल इसमें लगेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सभी लोग सुरक्षित और कम से कम समय में अपने गंतव्य स्थल पर। कितने फोर्स लगाए जा रहे हैं? करीब 500 के आसपास फोर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें सभी के जवान शामिल हैं। RPF भी इसमें शामिल है, RPF, GRP और जिला पुलिस। थैंक यू। तो हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार में हर दिन जो है वो कई ट्रेनें जो हैं अलग अलग प्रांतों से पहुंच रही हैं। भागलपुर में आसनसोल से दो ट्रेन पहुंचने वाली है जो कि आज रात में शुरू होगी। ऐसे में इन ट्रेनों से बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो आएंगे। पहली ट्रेन सुबह और दूसरी दोपहर के वक्त पहुंचेगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।